नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राशि के बारे में। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय आप सभी के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाले हैं। क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में पांच बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और अगर इन्हें आप अपने हाथ से गवा देंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अभी ही नहीं बल्कि उम्र भर तक पछताते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यश में इतना महत्वपूर्ण है कि आप यश में कई सारे सच को जान पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कई सारे सच को जानकर आप बिल्कुल ही चौक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले समय आप जिसके लिए लंबे समय से तरस रहे थे, दोस्तों वह समय आपके लिए आ गया है। जी हाँ दोस्तों, और वे सारे कार्य आप सभी को बनते हुए देखने को मिलेगा जिसके लिए आप पिछले समय से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल में हम जानते हैं कि पिछले कई समय से परेशानियाँ चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई समय से आप सभी के जीवनकाल में परेशानियाँ अड़चने समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अवश्य आप सभी के जीवनकाल में ये सारी परेशानियाँ बिल्कुल ही जड़ से समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप सभी का भाग्य उदय होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका किस्मत खुलने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आप सभी की किस्मत और भाग्य का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें बिल्कुल ही अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देख लेंगे और दोस्तों अगर हम जो बात आप सभी को बताने वाले हैं उन बातों को अगर आप समझ लेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको हर क्षेत्रों में समय और भाग्य का साथ मिलेगा और हर क्षेत्र में आप बहुत ही ज़्यादा कामयाबी और बहुत ही ज़्यादा तरक्की को हासिल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी क्षेत्रों में लाभ चाहते हैं, सभी क्षेत्रों में कामयाबी चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ हम महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जिन्हें दोस्तों आपको अपने ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो हम गलतियाँ आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों, ये गलतियाँ आपको अपने जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों धोखा दिए हैं, एक प्रकार से कहें बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसे देखने के बाद आपको यह इस चीज़ का जरूरी एहसास होगा कि आप यह गलतियाँ पिछले कई समय से कर रहे थे और दोस्तों इन्हीं की वजह से आप सभी के जीवनकाल में परेशानियाँ भी आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे और अगर आप अंत तक देखेंगे तो दोस्तों जितने भी परेशानियाँ आपके चारों ओर घिरा हुआ है दोस्तों वे सारे खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो जाएगा, आपके जीवनकाल में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी। जी दोस्तों, सच्चे श्रद्धा से लिखिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, ताकि दोस्तों इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अब बदलाव होने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवनकाल में पिछले कई समय से समस्याएं चली आ रही है। दोस्तों शब को दूर करने का हम इस वीडियो में उपाय आप सभी को बताने वाले हैं और ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल होगा जिससे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में खुशियों का माहौल आ जाएगा, घर परिवार बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे और दोस्तों ये जो हम बताने वाले हैं बिल्कुल ही कारगर 100% सटी होंगे। जी दोस्तों, इनमें आपको कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं करना होगा, बस आपको सावधानी रखना होगा और विधि के साथ आपको कार्य करना होगा, विधि के साथ इन्हें पालन करना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, इससे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में सारे कष्ट सारी पीड़ाएँ समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ये अचूक उपाय है। जी हाँ दोस्तों, तो है दोस्तों अब आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवनकाल में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं इनसे आप सभी के जीवनकाल में सारे दुख दर्द और सारे जो भी विपरीत परिस्थिति है वो दोस्तों समाप्त हो जाएंगे।
कि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके गुरु यशमी आपके दशम भाव में है। जी दोस्तों, दशम भाव में विराजमान होने के कारण दोस्तों आप सभी के जुनकार में बड़े ही लाभ की संभावनाएं दिख रही है, बहुत ही बड़े बड़े बदलाव की संभावनाएं दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, बस दोस्तों आपको अपने जुनकाल में थोड़े से समय का उपयोग करना है। दोस्तों समय जब आपके लिए अच्छे हैं, अगर आप उनमें मेहनत करेंगे तो दोस्तों आपका जुनकाल में आपको उतना से अत्यधिक सफलता मिलेगी जितना आप मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों यश में भी वैसा ही है, बस समय बहुत ही अच्छा है, समय का भरपूर साथ मिलेगा, थोड़ा सा आपको उनमें से मेहनत करना होगा। और दोस्तों आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उनमें आपको दुगनी लाभ मिलेगी। और दोस्तों जिस क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे वह कार्य आप सभी का पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम जानते हैं कि आप अपने जुनकाल में पिछले कई तरह की समस्याओं को देख रहे हैं, पिछले कई प्रकार की समस्याएं आप सभी के जुनकाल में आपने झेली भी हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला बात जिसके लिए आपने हमेशा ही सहायता प्रदान किया है, जिसके लिए आप हमेशा ही भला चाहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हमेशा उनके लिए सहायता का भाव रखे हैं, और दोस्तों वही लोग आपका नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आपके अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहे हैं, जिसका आपने हमेशा ही भला चाहा है, उनके लिए हमेशा ही अच्छे कार्य किए हैं। और दोस्तों यश में वही लोग आपके लिए बहुत ही बुरा साबित बन रहा है, बहुत ही बुरा दिख रहा है और बहुत ही बुरा भी बनते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यश में आप घर से नहीं बल्कि अपने ही लोगों के कारण परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपके अपने ही लोग आपके लिए परेशानी का कारण है, आपको प्रताड़ित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि आपने जिनको इज्जत दी है, जिनका आपने मान सम्मान किया है, दोस्तों ये यश में वही लोग हैं जो कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप अपने ही लोगों से यश में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको रोजगार कारोबार व्यापार में अपने ही लोगों से समस्याएँ और अड़चने देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को अभी बता दें कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल भी हासिल नहीं हो पा रहा है, आपके मेहनत के अनुरूप आपको फल नहीं मिल पा रहा है, आपके पास पेशे बिल्कुल ही टिकते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप मेहनत करके जो भी थोड़ा बहुत पेशे कमाते हैं, जो भी पेशे अपने जेब में बचाते हैं दोस्तों, वह भी पेशे किसी ना किसी बहाना में, किसी ना किसी विघ्न बाधाएं में, व्यर्थ में दोस्तों खर्च हो ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप जब भी अपने जीवनकाल में किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं या फिर करना भी चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में कुछ अचानक से ऐसा होता है जैसे कि दोस्तों आपका कार्य बिगड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि अब आपका कार्य कल परसों शुरू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसी बीच आप सभी के जीवनकाल में कुछ ऐसी अचानक से समस्याएँ खड़ी हो जाती है कि दोस्तों आपका कार्य देखते ही देखते और बनते ही बनते बिगड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिनके कारण दोस्तों आप अपने जुनकाल में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप अपने जुनकाल में इतने परेशान हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के बाद आप सभी के जुनकाल में ये जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं जो आपके साथ लगातार चल रही थी दोस्तों, वो आप जड़ से ही समाप्त होने वाले हैं। और दोस्तों जीवनकाल में अब बहुत ही बदलाव होने वाले हैं, बस दोस्तों आपको कुछ बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने ध्यान में रखना होगा। दोस्तों जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं, जो भी सावधानियां हम आप सभी को बताने वाले हैं, बस अगर आप उन्हें व्रत लेंगे तो दोस्तों आप सभी का भाग्य और समय दोनों का पूरा और पूरा सहयोग आप सभी को मिलने वाले हैं, और हमेशा घरों की स्थिति के कारण आप जीवनकाल में तरक्कियों को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अभी आपकी रोजगार कारोबार और व्यापार में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही है, काफ़ी अड़चने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जीवन काल में यह समस्याओं का समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी दोस्तों, ये जो भी समस्याएं हैं लगातार चलती ही जा रहे हैं, एक समस्या अगर समाप्त हो भी जाती हैं तो दोस्तों उस उपरांत कोई नया समस्या आप ही के सामने खड़े हो जाते हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी का मन बिल्कुल ही कार्य में नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, आप सभी का दाम्पत्य जीवन भी यश में से सही से नहीं चल रहा है, आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते में भी बहुत अच्छी अभी नहीं चल रही है जैसे दोस्तों पहले चलती थी, बीच बीच में दोस्तों नोकझोंक भी हो रही है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि बहुत सारे ऐसे भी जातक हैं जिनके घर का माहौल भी अच्छा नहीं है, घर में माता पिता भी
सहयोग नहीं करते हैं, माता पिता का रिश्ता भी अच्छा नहीं चल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप शिवी को बता दें कि अश्मी आपके कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जिनके बीच आप शिवी का मन मुठाव है और दोस्तों वो लोग आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आप शिवी को बता दें कि जब आपका गलती नहीं होता है तो दोस्तों वह लोग आपको ही गलत कह देते हैं और हमेशा गलत साबित करने की कोशिश में ही लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ अपने ही लोग हैं जो शत्रु की तरह तैयार हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये शत्रु बहुत ही शक्तिशाली भी बनते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि आपको यश में किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ना ही किसी की सलाह पर चलना है, ना ही किसी को सलाह देना है। जी दोस्तों, किसी पर भी दोस्तों यश में आपको आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर आप विचार करेंगे तो दोस्तों आप शिवी को समझ में आएगा कि दोस्तों पहले का जो आपका समय था, कुछ साल पहले आप शिवी का जो भी समय चल रहा था वो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले का समय इससे बहुत ही अच्छा था। जी दोस्तों, जो जहाँ पर आपने सब कुछ मैनेज भी किए हैं, जो भी समस्याएँ वो भी समस्याएँ खत्म हुई है। लेकिन दोस्तों कुछ सालों से आप सभी के जीवनकाल में समस्याएँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस ब्रह्मांड में कुल जितनी भी राशियाँ हैं, 12 राशि में से सबसे ज़्यादा जो दुखी राशि है, सबसे ज़्यादा पीड़ित और सबसे ज़्यादा जो संघर्ष का सामना कर रहे हैं वो दोस्तों आपकी ही राशि है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवनकाल में ये समस्याएँ खत्म होने वाली है। कि दोस्तों आप शिवी के साथ भले ही समस्याएं हो, लेकिन दोस्तों आप शिवी के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपके जीवन में हमेशा ही दोस्तों राजयोगों का भी निर्माण माता लक्ष्मी करती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी कार्य हैं दोस्तों वे बिल्कुल ही कोई छोटी मोटी कार्य नहीं बल्कि बहुत ही बड़े कार्य होते हैं। लेकिन दोस्तों समय पर नहीं पूरा होने के कारण वह कार्य छोटे लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि आपके जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए, लेकिन आपसे जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके कारण दोस्तों माता लक्ष्मी ही आपसे रूठ जाती है और दोस्तों आपका किस्मत खराब होने लगता है। जी दोस्तों, जिनसे आपको भाग्य का भी सहयोग नहीं मिल पाता है। दोस्तों कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिन्हें आपको आज से बिल्कुल भी अपने जीवनकाल में नहीं करना चाहिए। दोस्तों इससे आप शिवी का भाग्य प्रबल हो जाएगा और भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आप सभी को मिलने वाले हैं, जिनसे दोस्तों किस्मत आप सभी का चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवनकाल में 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वह लंबे समय से जो भी दोस्तों लोग किराए के मकान में रह रहे थे, दोस्तों यश में मकान खरीदने की सोच रहे थे, तो दोस्तों यश में समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्यशाली है। यश में आपका घर खरीदने का सपना सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये लंबे समय के आपके सपने हैं और दोस्तों यह सपना यश में पूरे होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो कि गाड़ी या फिर नया वाहन प्रॉपर्टी खरीदने की सपना देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और यश में आपका वह सपना भी सच हो सकता है। जी दोस्तों, कुछ जातकों के जीवनकाल में लंबे समय से कारोबार, रोजगार, व्यापार में घाटा ही घाटा देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों का जिसका राज्यों का निर्माण है, दोस्तों इनमें आपको सभी विकारियों में अब लाभ देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिन दोगुनी रात चौगुनी अब आप तरक्की करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते आप सभी का जीवन काल की रूपरेखा बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यश में आप धर्म के कार्यों में भी अपने समय को लगाएंगे, जिनसे दोस्तों आप सभी की मानसिक स्थिति भी बहुत ही सुखमय रहेगा, आनंदपूर्वक आप सभी का दिन गुजरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों यश में आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना है। दोस्तों आप इन्हें बहुत ही पहले समय से कर रहे हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में समस्याएँ ही समस्याएँ आ रही है। लेकिन दोस्तों आज से आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करना है, इन्हें बिल्कुल ही छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आप सभी को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगली जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है आप सभी के जीवनकाल में, वह है दोस्तों यश में स्त्री और पुरुष लंबे समय से जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे
कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बार बार आपसी को सफलता हाथ नहीं लग रही थी, असफलताएँ ही हाथ लग रही थी। तो दोस्तों यशमी आपसी को बता दें कि जून काल में आपको बहुत ही अच्छी संभावनाएँ दिख रही है। दोस्तों नौकरी के क्षेत्र में आपको नौकरी लगने की संभावनाएँ दिख रही है। जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, यशमय परीक्षा फल आपसी के पक्ष में आने की संभावनाएँ दिख रही है। यशमय स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूरी संभावनाएँ दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपसी को बता दें, जो भी जातक विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे या पढ़ाई का किसी का सपना था, तो दोस्तों यशमय आपसी का वह सपना भी पूरा होने वाले हैं। आप विदेश जाकर पढ़ाई करने में भी सफल रहेंगे। दोस्तों आपका यात्रा भी सफल रहेगा और समय और भाग्य का आपको पूरा वहाँ पर भी सहयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपके अपने ही लोग आपके पीछे आपका टांग खींचने का कार्य भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप बाहर जाएंगे या फिर कोई नया कार्य करेंगे, आप भी अच्छे अपने जुनकाल में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यश में आपको कई तरह का लालच भी कोई देगा, कई तरह के कार्य भी आप सभी को बताने वाले हैं, बहुत सारे आपको रास्ते दिखाने वाले हैं, एक प्रकार से कहें कि दोस्तों आपको सुझाव देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें, चाहे वह कितना भी आपके हाथ पांव जुड़े, लेकिन दोस्तों आपको किसी का भी बात नहीं मानना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हो, कितना भी आपको अपना माने, जी हाँ दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है, इसलिए दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों अगली बार जो लंबे समय से कारोबार रोजगार में अड़चने आ रही थी, जी दोस्तों अगले बहुत समय से, बहुत सालों से जिनके जुनकाल में कारोबार रुक गए थे या फिर अड़चने ही अड़चने मिल रही थी, कारोबार अच्छी तरीके से नहीं चल रहे थे, या फिर यूँ कहें तो दोस्तों जिनका कारोबार समाप्त हो गया था, तो दोस्तों यशमी आपको अपने जुनकाल में कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे दोस्तों आपकी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी। कारोबार रोजगार में जो भी घाटा हो रही थी, जो भी कारोबार रुका हुआ था, दोस्तों ये सारे मुसीबत, वो सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इससे दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति में लाभ होने की संभावनाएं बनने वाली है, यानी कि दोस्तों आपके जो भी आर्थिक स्थिति है उन सभी में आपको लाभ मिलने वाले हैं। यशमी कारोबार क्षेत्र में जो भी रोजगार के क्षेत्र में है, उन सभी को लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही है। यशमी लंबे समय से जिनके पेशे किसी जगह फंस गए थे, दोस्तों यशमी पैसा आपको वापस मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, जिसका भी आर्थिक स्थिति यशमी खराब चल रहा था, यशमी उनकी स्थिति में सुधार आने वाले हैं। समय बहुत ही अच्छा है, भाग्य का पूरा आप सभी को सहयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी कुछ ऐसे बदलाव आप सभी के जुनकाल में होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाले हैं। और यशमी जो लोग पिछले कई समय से बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे थे, एक प्रकार से कहें पेशे की समस्याएँ जिनके जुनकाल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो दोस्तों यशमी से आप सभी का जीवन काल में पेशों की कमी नहीं होगी। जी दोस्तों, हमेशा आप सभी का जीव धन से भरा रहेगा। जी दोस्तों, अगली जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी जातक अपने जुनकाल में सिंगल हैं, जो भी अपने जुनकाल में अपने प्रेम की तैयारी में थे या फिर अपने प्रेम की तलाश कर रहे थे, तो दोस्तों यशमी आप सभी का तलाश पूरा होने वाले हैं। एक अच्छा जीवन साथी आप सभी को मिलने वाली है, जिनसे भी दोस्तों आप सभी के जुनकाल में बहुत ही अच्छे मौके मिलेंगे, बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप अपने जुनकाल में बहुत ही बेहतरीन बदलाव भी देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ कुछ ऐसे जातक होंगे जिनके जुनकाल में इस जीवन साथी के कारण बहुत ही अच्छे अच्छे रास्ते मिलने वाले हैं, जिनसे वे बहुत सारे बुरे कार्य भी छोड़ देंगे और जिनसे उन सभी का जीवन भी निखर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यश में आपको अपने जुनकाल में बस एक कार्य करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे आपको जल चढ़ाना है। इससे दोस्तों प्रेम संबंधों में मिठास आएंगी और जो भी प्रेम संबंध की शुरुआत किए हैं, उनके जुनकाल में प्रेम संबंध में अड़चने सभी समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि यश में जो लोग पिछले कई समय से माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही प्रार्थना कर रहे थे, उनके जुनकाल में माता लक्ष्मी का वास हट गया था, तो दोस्तों यश में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप शिव के जुनकाल में मिलने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जुनकाल में आप बहुत ज़्यादा तरक्की देखेंगे। धन दौलत सब कुछ आपको सभी को मिलने वाले हैं जो अपने माता लक्ष्मी की प्रार्थना किए हैं। दोस्तों यशमी उन्हीं के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यशमी आप सभी के जुनकाल में माता लक्ष्मी बनकर एक ऐसी स्त्री आएगी
जो कि दोस्तों माता लक्ष्मी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इनके आने से आप सभी के जन्मकाल की बहुत सारी परेशानियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का भाग्य प्रबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उससे विवाह कर लेंगे तब दोस्तों आप सभी का पूरा भाग्य बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यश में स्त्री का साथ आप सभी के जन्मकाल में दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी लोग ऑफिस में कार्य करते हैं तो दोस्तों यश में आपको अपने सीनियर से दिल लगी हो सकती है, या फिर अपने सीनियर के साथ आप सभी का प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी व्यक्ति अपने जन्मकाल में कहीं कारोबार में भी पड़े हैं तो दोस्तों किसी सीनियर व्यक्ति के साथ प्रेम में वो लोग पड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसी संभावनाएँ दिख रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में जो भी लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो दोस्तों यश में आप सभी को बता दें कि पढ़ाई के भी क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे सहयोगी होंगे जिनके साथ आप प्रेम में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि कोई ऐसे लोग होंगे जो कंपनी या फिर सरकारी संबंधी जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे सीनियर अधिकारी होंगे जिनसे आप सभी का दिल लगी हो सकता है, जिनसे आप सभी का प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी नारी लोग हैं, जो भी स्त्री वर्ग के व्यक्ति हैं, आप सभी को बता दें कि आप सभी को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप प्रेम में कदम रख रहे हैं तो अच्छे से रखें, जांच परख कर रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई जातक ऐसे भी होते हैं पहले से ही शादीशुदा होते हैं और आपसे छुपाते हैं। तो आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि विवाहित व्यक्ति के प्रेम में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, आपको उनसे दूरी बनाकर रखने हैं। जी दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही भला होगा, नहीं तो आप आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि आपको रोना भी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, शादी शाह दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इनके कारण आप सभी का जीवन काल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। पहले से पत्नी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, तो उसके भविष्य भी खराब हो जाएगा, उसका जीवन भी खराब होगा सिर्फ आपकी वजह से। तो आप कभी भी अपने जीवन काल में आगे सुखी नहीं रह पाएंगे अगर यह गलतियाँ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको यह गलती नहीं करनी है और इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगली बात, स्त्री को अपना प्रेम थोड़ा छुपाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो थोड़ी बदनामी होने का भी कारण हो सकते हैं, या फिर बदनामी होने का भी आप कारण बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका संभावना दिख रहा है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ यश में आपको प्रेम के बारे में थोड़ा बात को गुप्त रखकर बातों को शैलियों के साथ ही हर किसी को बताया ना करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी सहेली है, जिसके साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनको भी आपको बात नहीं बतानी है। यश में थोड़ा बदनामी होने की संभावना भी दिख रही है, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। जो भी प्रेम संबंध में जाएंगे, अपने प्रेम संबंध की हर एक बातों को गुप्त बनाकर रखें। जी हाँ दोस्तों, जो लंबे समय से किसी के प्रेम में हैं, उनके लिए यश में बहुत ही अच्छा है। जो आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव किसी के सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यश में आपको प्रेम मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। आपका प्रेम अवश्य आप सभी का आपका जो है प्रपोजल स्वीकार करेगा। जी हाँ दोस्तों, यश में आपका जो प्रस्ताव है आप उन्हें रखें, वे आपके लिए आपके पक्ष में होंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि समय का भरपूर आप सभी को सहयोग मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों पहले से ही प्रेमिका बन चुके हैं तो समय बहुत ही रोमांटिक रहने वाले हैं, बाहर घूमने जाने का भी योग बन रहा है। थोड़ा सा दोस्तों यश में यौन सुख भी आप सभी को मिलने की संभावना दिख रही है, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छे जगह का ही चुनाव करें, नहीं तो थोड़ी सी आपको मुसीबत भी यश में मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है जिससे आपका बदनामी हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, यश में आप सभी के जन्मकाल में बदनामी से थोड़ा सा बचना होगा और लोगों को नज़र रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो यश में आपका फोटो वीडियो बन सकता है और यश में आप वायरल भी हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि यश में साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यश में भाग्य हर क्षेत्र में आप सभी का साथ देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सोए रहेंगे, आपको तरक्की मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी मेहनत करना होगा, क्योंकि समय आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों ये आपका कर्म है कि समय आपके लिए बेहतर है, अगर आप इस बेहतर समय का उपयोग नहीं करेंगे
तो दोस्तों फिर भी आपका कर्म बुरा हो जाएगा। इसलिए यश में आपको अपने जन्म काल में अपने कर्म में मिलने वाले फलों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। यानी कि दोस्तों समय समय पर आपको हर मेहनत करना होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप सभी को सफलता मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको मेहनत करना होगा, घर से निकलना होगा। जो कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कार्य की शुरुआत करें। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और कुछ गलतियां आप सभी को अपने जुनकार में बिल्कुल भी नहीं करना है। इनसे दोस्तों आप सभी का भाग्य हमेशा आपका साथ नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो दोस्तों आने वाले समय में भी आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को यह बात बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके कारोबार में बाधाएँ आ रही है, रोजगार में कई बार आपको घाटा मिल रहा है, कोई भी नई कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों उनमें छोटा मोटा बाधाएँ ज़रूरी आता है। जी दोस्तों, माता लक्ष्मी को आज आप सभी को रुष्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों आप सभी को अपने रोजगार में, कारोबार में, सभी जगहों में लाभ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको अपने घर में जो भी औरत है उन सभी का सम्मान करना है, सम्मान शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, औरतों के दिल में अपनी जगह बनाएंगे, अच्छी भावनाएं से उनके साथ बात करेंगे, सबसे पहले आपको अपने घर की औरतों का बिल्कुल ही सम्मान देना है। जी दोस्तों, उनके ऊपर आपको बिल्कुल ही ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों आप शिव को बता दें कि औरत में माता लक्ष्मी का वास होता है। जी दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और हिंदू धर्म में भी औरतों को देवी माँ कहते हैं। जी दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी औरत में ही होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अपने पत्नी से आपको प्रेम करना सीखना होगा। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, उस घर में औरत का सम्मान नहीं होता है दोस्तों, उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, उनके घर में धन का आगमन नहीं होता, वह व्यक्ति धन से हमेशा ही परेशान होता है, चाहे कितना भी धन उनके जीवनकाल में आ जाए, धन से वह बिल्कुल ही परेशान रहता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप कितने भी बड़े रोजगार कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पेशा आपके साथ रहेगा नहीं। इसलिए दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में औरतों के साथ बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। दोस्तों उनके साथ आपको किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रखेंगे, चाहे दोस्तों वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या फिर पत्नी हो, प्रेमिका हो, समाज की कोई भी ऐसी स्त्री हो, दोस्तों उनके साथ आपको सम्मान से ही पेश आना है। अगर आप उन सभी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों कम से कम आप सभी को उनका अपमान भी करना बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन बिल्कुल ही सफल हो जाएगा और यह बात तय है। रोजगार में घाटा बिल्कुल भी नहीं आएगी, धन में आप सभी का वृद्धि हो जाएगा और धन से जुड़ी जो भी समस्याएँ चल रही हैं, जो भी धन से जुड़ी बाधाएँ चल रही है, उन सभी से आप सभी को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला आप सभी को बता दें कि जो लोग तनाव में होते हैं, घर में पत्नी बच्चों के साथ वे सारे तनाव उतार देते हैं। जी दोस्तों, बाहर के गुस्से उन्हीं के ऊपर उतार देते हैं। इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। जी दोस्तों, वह इंसान अपने जीवनकाल में हमेशा दुखी ही रहता है। सर्वप्रथम आप सभी को यह फर्ज बनता है कि घर के पत्नी बच्चे को खुश रखना है। जो इंसान अपने पत्नी और बच्चे को खुश नहीं रखता है, वह इंसान नहीं बिल्कुल पशु के समान होता है। उसका सारा का सारा जो भी कार्य है, जो भी मेहनत है, वह व्यर्थ हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप सभी को यह बात का ध्यान रखना है कि अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों अपने बच्चों, अपनी पत्नी का इच्छा आपको पूरी करना है। इसलिए दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में सुख और समृद्धि आएंगी। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं पशु के समान हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल ही कड़वी है, लेकिन दोस्तों सत्य है। अगली चीज़, जो गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं, कई राशि के जातक ऐसे होते हैं, छोटी बच्चियों के ऊपर निगाह डालते हैं। ऐसा इंसान जीवन भर परेशान रहता है, ऐसा इंसान को नरक में भी जगह नहीं मिलता है। छोटे बच्चों के ऊपर गलत निगाह डालना भूल से भी नहीं करना है दोस्तों, ऐसा बहुत ही बड़ा पाप लगता है। कहते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप यही है। जी दोस्तों, ऐसा कार्य कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। अगला बात, जो दोस्तों जीवन में परेशानी का कारण बनता है, बेवजह किसी बच्चे को परेशान करना या फिर बेवजह किसी बच्चे को रुलाना, दोस्तों बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है,
बेवजह किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करना है। जी दोस्तों, आप शिव को बता दें कि बेवजह किसी भी गाय को, किसी भी पशु, किसी भी पक्षी को आप शिव को परेशान नहीं करना है। चाहे वो दोस्तों वह गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, किसी को भी आपको परेशान नहीं करना है। जो भी चीज़ हमने नहीं बनाए हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वह चीज़ भगवान ने बनाए हैं। भगवान ने ही हर चीज़ों को बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है, इसलिए आपको भगवान की बनाई हुई किसी भी जीव जंतु पर आपको अपना गुस्सा नहीं डालना है, ना ही उसको परेशान करना है। जी दोस्तों, आप शिव को बता दें कि अगर आपके पास कुछ है तो दोस्तों आप उन्हें खिला दें। अगर आपके पास क्षमता नहीं है, खिलाने की क्षमता नहीं है, तो दोस्तों उन्हें आपको मारना पीटना नहीं है, उन्हें परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यही सब आपके दुखों का कारण बनता है। तो ईशा गलती भूल कर भी अब आपको अपने जुनकाल में नहीं करना है। अगर आप करते भी हैं तो दोस्तों बंद कर दीजिए, इन्हीं से ही आप शिव के जुनकाल में बधाई आ रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि अगर आप इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप शिव के जुनकाल में जो भी समस्याएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वे सभी जड़ से ही समाप्त हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।